छोड़ दो, 2000 मिलेंगे तेरे को। मेरे घर को अंकल जी, तुम ही कहीं थे मेरे घर में। क्या मेरे को धमकी दे रही है? रुक जा रुक जा रुक जा, तेरी माँ ने खुद तेरे से डर लिया है। मैं तो चुप कर दूंगी, फोन कुछ नहीं करूंगी। संजय को खान को कटते है ना, कौन सिमरन छुटवाते सिमरन से। अपने मुर्गे से कल लेकर कशिश बाहर निकल जा, कशिश मदद कर रही है, कशिश देख ले, बाहर नहीं लाना, रुक जा, यहीं पर नहीं लेके जा। पैसे दे दे, आराम से बैठ होगी। पैसे मैं वो तो मेरी मम्मी के पैसे, वो तो किसी के भी पैसे हो, हमारे भी ऐसी चोरी करेगा तूने? 500 रुपए चोरी कर फुद्दू को, यहाँ पेट्रोल गाड़ी में घुमाया तेरे को, अपनी बेइज्जती भी कर रखी थी गाड़ी में, घुमाया इतना कटवाया, एड्रेस दिया मेरे घर का, हमने तेरे घर का एड्रेस दिया किसी को? दिया मैंने, दिया किसी को? झूठ ना बोल, मैंने इसका सच बता दे, घर का एड्रेस ही दिया। रोके गए ड्रामे आ रहे अब, ये तो ड्रामे कर ही कर करके छोड़ दिया हमने, कैसा भी किया कुछ माड़ा बता, पेंशन तेरे को याद नहीं है? तूने घर का एड्रेस दिया? सॉरी, मैंने जो मेरी बात सुन ली, एक मिनट बात सुन, रुक जा, पहले मेरी बात बता अपना यार, भाई बात बता तू पहले, घर का एड्रेस दिया कि नहीं? मैं सीधा कपड़े उतार दूंगी यहीं पे, मेरे कपड़े का दाव नहीं, मम्मा पकड़ रहा था मेरा, नहीं ना मांचल मिलकर एक लड़की का एमएमएस बनाया था। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, एक लड़की का एमएमएस बनाया जा रहा है और चार लड़कियां मिलकर एमएमएस बना रही है, इन्हीं चारों में से एक आंचल पर हमला हुआ है, चाकुओं से हमला हुआ है, आंचल पर धारदार हथियार से हमला हुआ है और अब काफी क्रिटिकल कंडीशन में है ये लड़की और बीच झूल रही है। हमलावरों को अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है और जो सूत्रों के हवाले जो खबर मिल रही है कि जाहिर तौर पर जो शक जो है पुलिस का, वो जो पीड़ित लड़की थी इनके परिवार की तरफ जा रहा है कि जो जो उसका जो लड़की थी जिसका एमएमएस बनाया गया था, उसका एक मामा है, शायद वो इस पूरी घटना में इन्वॉल्व है, ऐसा जो आशंका जो है वो पुलिस के जो अधिकारी है वो जता रहे हैं। लेकिन फिलहाल पुलिस यही कह रही है कि जब तक लग सकती, और अभी अगर हम बात करें तो हुआ है पंचकुला के पास एक इलाका है बल्टाना, वहां पर ये लड़की पास भी कई लोग होंगे जिन्होंने ये सब देखा होगा, क्या उन लोगों से आपकी कोई बातचीत हो पाई है, उनसे कोई जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए डॉक्टर के अकॉर्डिंग उसके जो अभी कंडीशन है वो तो स्थिर, केस दर्ज करवाया है कि फिलहाल अभी कोई केस दर्ज नहीं करवाया गया है, कल पुलिस वाले वहां पर गए थे बकायदा पीजीआई में उस लड़की के स्टेटमेंट लेने। हमारा संपर्क टूट गया, जो कि जानकारी दे रहे थे कि जिस लड़की पर हमला हुआ है उसने अभी अपना बयान नहीं दिया, कोई केस दर्ज नहीं करवाया है, साफ साफ इसका यह कहना है जब तक इसके माता पिता नहीं आते, उनसे ये कंसल्ट नहीं करती, तब तक किसी भी तरीके का बयान नहीं देगी और केस दर्ज नहीं करवाएगी। लेकिन आपको बता दें चार लड़कियों ने मिलकर जिसे एक लड़की का एमएमएस बनाया था, उन्हें चारों में से एक पर कल धारदार हथियारों से दो लोगों ने हमला कर दिया, उसकी हालत फिलहाल स्थिर, अभी इसे
भर्ती किया गया है। डॉक्टरों ने इसकी हालत स्थिर बताई है, लेकिन इस लड़के ने किसी भी तरीके का बयान देने से इनकार कर दिया है। मामला जख्मी लड़की नु इलाज लई PGI विच भर्ती करवाया गया है। जख्मी लड़की ने दसिया कि ये सब उसे लड़की के इशारे उते किया गया है जिसका MMS बनाया गया सी। मैं आज घर से निकल रही एक्टिवा पे जा रही थी तो पता नहीं कुछ चीज एक ना बाइक पे बंदा जा रहा था, उसने मेरे पता नहीं एकदम से क्या मारा, तलवार थी पता नहीं क्या बाइक थी वो जोर से मारा, मैं वहाँ पे बेहोश हो गई थी। कितने लोग थे? वो दो जने थे और बाइक पे थे। उसके बाद कुछ पता है किसी पे शक है कि जिसने ऐसा किया? मुझे रजनी वर्मा पे शक है। नहीं वो फोन जब मैं बेहोश होने लगी तो मैंने ये सुना था कि रजनी रीना जी आपका काम कर दिया हमने। लड़की दे हमला उस वेले होया जब वो अपने कार तो मोबाइल रिचार्ज करवाने लई गई सी। रस्ते विच उसकी स्कूटी नु इन्हां नौजवानों ने टक्कर मार के डिगा दिता अते उस उते हमला कर दिता। MMS कांड दिया तीन होर दोषी लड़कियां दा अजे तक कोई पता नहीं है। फिलहाल हुन पुलिस इस मामले विच कार्रवाई कर रही है। पंचकुला में महापाप, लड़कियों ने दिखाई बेशर्मी, सहेलियों ने बनाया MMS, सरेआम किया चीरहरण, नई पीढ़ी का असली चेहरा, एक अनोखा मामला, लड़कियों ने उतारी लड़की की इज्जत, नशे के लिए की लूटपाट, पैसे और मोबाइल छीना, विरोध किया तो बना डाला कपड़े उतार कर MMS, सहेलियों की बदमाश कंपनी। पंचकुला में हुआ ये महापाप, चार छात्राओं ने बीच सड़क पर अपना